कुरान पर यूएन में भारत के रवैये की चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि कौन इसके खिलाफ था और कौन इसके समर्थन में। पिछले साल पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की नाराजगी के बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। और अब भारत ने स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में लाए गए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी के निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। दरअसल कुछ दिन पहले स्वीडन की कोर्ट ने एक नागरिक को इजाजत दी कुरान को जलाने की अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, जिसके बाद इसका खूब विरोध होने लगा और बवाल होने लगा और इसी को लेकर इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, जिसका भारत ने समर्थन किया। भारत के इस समर्थन पर इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू ने लिखा है कि स्वीडन में जो घटना हुई है कुरान को जलाने की, उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था उसका भारत ने समर्थन किया है और भारत के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव ने भी इसका समर्थन किया। इस्लामिक देशों के संगठन की ओर से पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लाए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में 28 वोट पड़े और विरोध में 12 वोट पड़े और 7 देश इस वोटिंग से दूर रहे। भारत, चीन, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और वियतनाम जैसे देशों ने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं कि वो कौन सी 28 कंट्रीज थी जिन्होंने इसके समर्थन में वोट किया, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कोस्टा रिका जैसे देशों ने इस निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं चिली, मैक्सिको, नेपाल और होंडुरस जैसे देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और इससे दूरी बनाई। अमेरिका और यूरोप के देशों ने इस प्रस्ताव का ये बोलकर विरोध किया कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के उनके नजरिए के खिलाफ है।